हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने छोटे छोटे आलू, भरवा आलू जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाए थे, वो आपके सामने शेयर करूंगी। थैंक्स। ये फ्रेंड्स, जो हमने आलू धो लिए थे वो इसको अब कट करूंगी। कट ऐसे करने हैं, यहाँ से एक चीरा लगाना है, एक चीरा इधर से लगाना है, ऐसे पूरे नीचे तक नहीं जाने चाहिए, नीचे तक नहीं टूटने चाहिए, ऐसे रहने चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे फाको, सटी सटी रहने चाहिए पाके। बस ऐसे ही सारे आलू मैं इस तरह कर लूंगी। इसके बाद इसमें मसाला भरूंगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ, नीचे तक नहीं जाने चाहिए। वो कोई वो ना कढ़ाई में जब डालेंगे, जब सेक लगेगा तो कोई वैसे ही टूट जाते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं। मैं मसाले मिक्स करूंगी फ्रेंड्स, जो जो मसाले इसमें डालने हैं, ये जो धनिया है और मिर्ची है, इसी में मिक्स करूंगी। इसमें जाएगा ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे आलू में ये मसाला मैं मिक्स कर दूंगी, हल्के हल्के हाथों से भरने हैं कि टूट ना जाए आलू। हेलो फ्रेंड्स, ये सारे आलू मैंने भर के तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई रखूंगी और उसमें फ्राई करूंगी। ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख दी है, अब इसमें तेल डालूंगी। ये डेढ़ कड़छी मैंने तेल डाला है, ये गर्म हो जाए फिर आलू इसमें डालूंगी। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। अभी ये जो आलू मैंने भरे हैं ये सारे इसमें डाल दूंगी। आंच कम कर देंगे, ऐसे मिक्स कर दूंगी आलू थोड़ी देर बाद, पांच मिनट बाद, दो मिनट बाद, ऐसे दो चार बार ऐसे ही कर देंगे। ये थोड़े से लाल हो जाएंगे फिर बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें फ्लेम मीडियम ही रहेगी, तेज नहीं रहेगी, तो ही अच्छे आलू बनेंगे। ये आलू मेरे बनके तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, ये आलू बनके तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।